श्रेया आपको याद होगा, ये नाम आपको याद होगा। श्रेया 11 साल की बच्ची, लगती 4 साल की है। उसका पेट फूल गया था और जम्मू के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। दर्द होंदी कुत्थे होंदी? इधर होंदी। किन्नी होंदी? आप लोगों ने मदद की श्रेया की, श्रेया को डीएमसी में पहुंचाया, उसका ऑपरेशन हो गया, श्रेया अच्छी होकर घर आ गई। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी आप लोगों की मदद से। उसके बाद श्रेया एक बार फिर बीमार हो गई। पैसे नहीं थे, जो मदद हुई थी वो सब खर्च हो गई। परिवार ने सोचा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही, तो वो सीधा शालामार ले गए, शालामार हॉस्पिटल जम्मू, सरकारी अस्पताल। श्रेया 4 से 5 दिन वहाँ रही, लेकिन हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। हमारे कुछ लोग जो उस वक्त उस कहानी का हिस्सा थे, उन सब ने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज डाला कि अगर श्रेया शालामार में रही तो मुश्किल हो जाएगा, हमें इसको डीएमसी वापस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि शालामार ने 5 दिन के बाद कह दिया आप कोशिश करो, यहाँ से आपने इसका ऑपरेशन करवाया है पहले, आप इसको वहीं ले जाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आनन फानन में उन सभी एनजीओस ने, उन सभी लोगों ने एक कलेक्शन की, 35 से 40 हज़ार रुपये इकट्ठे कर किए और आज श्रेया को डीएमसी पहुंचा दिया। वो 35-40 हज़ार लग गए। अभी भी श्रेया को एक हफ्ता और वहाँ रहना है डीएमसी में, यानी कि 60-70-80 हज़ार रुपये खर्च और है। और आप जानते हो हॉस्पिटल क्या बोलता है, अगर पैसे हैं तो बेड है आपके लिए, नहीं तो खाली करो। उस माँ ने, श्रेया की माँ ने आज फिर कॉल किया मुझे। उसने डोगरी में मुझसे कहा आप दोबारा उन्हीं लोगों से बात क्यों नहीं करते हो जिन्होंने पहले मदद की थी, उनसे कहो कि एक बार और मदद कर दें, ज़्यादा नहीं 70-80-90 हज़ार रुपये, ताकि मेरी श्रेया बच जाए। आप हाथ जोड़कर उनसे विनती करना, क्योंकि मैंने श्रेया की माँ से कहा कि मैं ये स्टोरी कर चुका हूँ, दोबारा कैसे। उसने कहा वो नहीं जानती ये सब सोशल मीडिया में क्या करता हूँ, कैसे वीडियो, वो कहती है उन्हीं लोगों को बोलो जिन्होंने पहले मदद की थी। उसके पास कुछ पैसा नहीं है उस माँ के पास अब, लेकिन श्रेया अभी भी डीएमसी में है। वो कहते हैं एक हफ्ता और, उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, वॉमिटिंग उसकी नहीं रुक रही, इसीलिए एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं। वो 40 हज़ार जो इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर कर श्रेया की कहानी इकट्ठे किए थे 3 से 4 दिन पहले, वो खत्म हो गए। वो मासूम बच्चे पैसों की वजह से इस दुनिया को छोड़कर ना जाए, वो बच सकती है, पहले भी आपने बचाया है, क्यों ना एक बार फिर से कोशिश करें। मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ श्रेया के पिता का, जो इस वक्त लुधियाना डीएमसी में ही है। अगर आपने मदद की, आप करेंगे मुझे पता है, नहीं तो उनको वो बेड खाली करना पड़ेगा, श्रेया को उसी हालत में जम्मू वापस घर लाना पड़ेगा और आगे की स्थिति पता नहीं क्या होगी। आप फैसला कीजिए, ये 5 से 6 से 7 दिन आप श्रेया को डीएमसी में रखेंगे जहाँ उनको घर वापस बुला लें मरने के लिए। उस मासूम बच्ची का चेहरा याद रखना, आप लोगों ने ज़िंदगी दी थी उसको, इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने देंगे ये ज़िंदगी, क्यों ना एक बार फिर से कोशिश करें उस मासूम बच्ची के लिए, श्रेया के लिए।